एग्रीकल्चरल ग्रोथ पॉवर्टी एंड द रूरलॉमी एग्रीकल्चरल रूरल नॉन अदर. अब अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ड्यूरिंग लास्ट फोर डिकेड देर इज कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द एवरी जी ग्रोथ रेट इन दिकेड ऑफ नाइनटी एटीजी जो कि इन द दिकेट ऑफ 2010 में ये होगी 3.47 पॉइंट और उसी पैटर्न पर जब आप एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ को हम देखें तो वहां पे भी हम कुछ इसी पैटर्न का एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर इन द डिकेट ऑफ सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ ऑफ बट इन द ट्वेंटी ट्वेंटी एग्रीकल्चरल सेक्टर एट अ रेट ऑफ अब अगर हम एक कंपैरिजन करें बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनफैक्ट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ लोअर रेट एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन के रिसेंट पॉपुलेशन सेंसिस की अगर हम बात करें इन यूर ट्वेंटी थर्ड हैज बिन कंडक्टेड इन यूर इन यूर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज टू पॉइंट फाइव फाइव परसेंट लेकिन जब आप हम देखें यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ को स टूर ट्वेंटी ईयर 2010 2020 के टाइम पीरियड में तो ये इस टाइम पीरियड में ग्रो किया अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट फोर फाइव परसेंट इन फैक्ट अगर मैं यू बात करूं एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ लोअर रेट एज कम्पेयर टू एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो इन दो स्लाइड्स की बेस पे हम एक चीज तो कंक्लूड कर एक चीज तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिक्लाइन इन एवरेज जीडीपी ग्रोथ ओवर लास्ट फोर डिकेड्स इनफैक्ट डिक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स और जब आप डोमेस्टिक पे इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पुअर हाउस होल्ड तो यहाँ पे कुछ आपके पास डोमेस्टिक फैक्टर्स भी आएंगे और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आएंगे जब हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रू एट अ लोअर रेट कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फिर इसी पैटर्न पे जब आप हम एनर्जी डिमांड की बात करते हैं तो एनर्जी डिमांड एक्सीड द एनर्जी सप्लाई दैट लीड्स टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और जिसने आपके पास बड़ी सिग्निफिकेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि देयर इज देयर इज लोड शेडिंग इन द इकोमी ऑफ पाकिस्तान जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरन कैपिटल इनफ्लो इन फैक्ट फॉर कैपिटल इनफ्लोज आर सीज्ड फिर देर इज रेपिड राइज एंड सब्सिक्वेंट फॉल इन वर्ल्ड फूड प्राइसिस एंड एनर्जी प्राइसिसज समीकेशन ऑन दीपल लिविंग इन पाकिस्तान और जब आपके पास कॉन्फ्लिक्टल्ड It also has some impact on the prices of agricultural goods that are being used by domestic consumers. Or internal on ongoing conflicts in the parts of the country, it also has imposed a sizable cost, sizable economic cost. Agriculture is an important sector of the economy, and this is the major source of income is farming for the poor households. Poor form, performance of the agricultural sector. लेकिन जब आप रूरल सेक्टर की बात करते हो तो वहां परूरल इकोनोमी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड रूरल हाउस होल्ड क्योंकि पाकिस्तान में एक सिग्निफिकेंट पोर्सन इज लिविंग इन द रूरल एरिया और आपके पास जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनमें उनका जो मेजर ऑक्युपेशन है दैट इज द एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चर में बट बिसाइड्स एग्रीकल्चर they are so they are also involved in some non-agricultural activities. ab agar aapka rural non farm economy sector agar flourish kare to तो it basically supports the agricultural modernization and acts as an engine of rural economic growth. और हम यहाँ पे एक चीज मैं हम इस पैटर्न पे भी कह सकते हैं कि growth in agriculture and rural non-farm economy are effective means to increase the income of the rural household. और जब आपके रूरल हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज करेगी बाइंग हैविंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इट रिजल्ट इन आर रिडक्शन इन दॉवर्टी ऑफ द रूरल हाउस होल्ड और जब हम रूरल नॉन फॉर्म इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे जो आपके पास रूरल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इट इज मोर इफेक्टिव देन द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर सो इन दिन टू रिड्यूस पॉवर्टी देयर इज अ नीड टू पुट अ मोर फोकस ऑन द Rural manufacturing growth sector to enhance, to reduce the poverty in rural areas or to reduce the poverty in Pakistan.